हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को पता है कि गर्मियां शुरू हो चुकी है और हमारी जो स्किन है वो जब सबसे ज्यादा फेस करती है वो है स्वेटिंग यानी पसीना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है टैनिंग, जो सबसे ज्यादा हम जो है इन गर्मी के सीजन में जो है बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो एक अच्छा जो टोनर है वो आपकी स्किन पे एक टॉनिक की तरह काम करता है, जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम को तो खत्म करता ही करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आज मैं टोनर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको खत्म कर देगा, यानी कि जो पसीना आने की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो है सन टैन सन बन से अगर वो उसकी प्रॉब्लम हो गई है या आपको सन टैन या सनबर्न हो चुका है तो वो भी बहुत ही इजीली खत्म करेगा और आपको सन टैन और सनबर्न होने ही नहीं देगा। एक अच्छा टोनर जो होता है, अगर आपको सन टैन चीज जो है, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने एम्प्टी कंटेनर ले लिया है, जो स्प्रे बॉटल होती है ये आपको ले लेना है ताकि आप इजीली जो है आपके फेस पे जो है इसको टोनर की तरह इस्तेमाल कर पाओ, अच्छी तरीके से स्प्रे कर पाओ ताकि वो सारी ही जगह पे स्प्रेड हो जाए। आपके हाथों पैरों और फुल बॉडी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बनाने में जितना ज्यादा आसान है उतनी ही ज्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले आपको ये एम्प्टी कंटेनर लेना है और उसके बाद जो है इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। रोज वाटर जो है आपकी स्किन पे टॉनिक की तरह काम करता है। अच्छा गाइस, डायरेक्टली रोज वाटर को भी आप अपने स्किन पे जो है एज अ टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज का जो टोनर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जितनी भी सारी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम है उन सबको खत्म कर देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, रोज वाटर जो है आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अच्छा गाइस, गर्मियों के देख सकते हैं वीडियो में भी 3/4 के करीब जो है आपने इसको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन को। ग्लिसरीन जो है आपने 1/2 टीस्पून से भी कम जो है इसमें ऐड करना है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है। तो यहाँ पे जो है 1/2 टीस्पून से भी करीब जो कम है वहां पे मैं इसमें ग्लिसरीन को ऐड करूंगी। ग्लिसरीन किसी भी केमिस्ट स्टोर पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ग्लिसरीन को आपने बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है। और उसके बाद जो है इसमें मैं ऐड करूंगी इवियन 400 की टैबलेट, जो आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। इसकी 2 कैप्सूल जो है मैं इसमें ऐड करूंगी। इवियन 400 यानी विटामिन ई की जो कैप्सूल्स है वो हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही इजीली आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगी। अच्छा जी, तो इसमें मैं 2 इवियन 400 की जो कैप्सूल है इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा गाइस, इवियन 400 जो है आपको इजीली मिल जाती है तो इसको स्किप मत करें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे स्किन के लिए। तो ये बिल्कुल ही एक ऐसा टोनर है जो किसी भी महंगे टोनर को मात दे सकता है, और ये गर्मियों में तो ये जो टोनर है ये एक वरदान से कम नहीं है, इतना ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। उसके बाद जो है लास्ट एंड फाइनल इन्ग्रीडियंट हम इसमें अब ऐड करने वाले हैं, वो है गुड वाइब्स का लेमन एसेंशियल ऑयल। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताने के लिए बता रही हूँ, आप जरूरी नहीं गुड वाइब्स के लिए, आपको जो भी आपके पास है लेमन एसेंशियल ऑयल जो भी कंपनी का है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप टीट्री एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 3 से 4 ड्रॉप इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और ना मैं आप लोगों को बता दूं, लेमन जो है ये हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है और हमारे जो स्किन पे से एक्सेस ऑयल है ना, इसका जो बेनिफिट है जब हम इसमें ऐड करते हैं तो एक्सेस ऑयल को जो खत्म करता है, सन टैन सनबर्न की प्रॉब्लम होने ही नहीं देता। ये एक अमेजिंग है जब आपने अगर इसको इसमें ऐड किया ना। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल जो है इसमें ऐड कर सकते हो। और अगर इससे भी इजी मैं आपको बता दूं कि आपके पास एसेंशियल ऑयल है ही नहीं तो आप जो है लेमन के कुछ कतरे जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर तो जो है लेमन एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है तो ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी तरीके से जो है इफेक्टिवली काम करेगा। लेमन एसेंशियल ऑयल के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। ये जो है हमारे स्किन को सन टैन सनबर्न की प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना ये हमारे एक्सेस ऑयल को खत्म करता है और हमारे को फेयरर स्किन देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो गर्मियों में तो ये वरदान है। अगर तो आपके पास नहीं है तो लेमन की जो है 2 से 3 कतरे आप डाल सकते हैं, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि लेमन एसेंशियल ऑयल जो है गर्मियों में इसका इस्तेमाल जरूर से करें, या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल। अगर तो कुछ भी नहीं है तो फिर लेमन की 2-3 कतरे इसमें डाल सकते हैं।
अच्छा जी गाइस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप शेल्फ लाइफ नहीं बताते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 डेज तक आपने इसको फ्रिज में रखना है। 7 डेज के लिए जो है आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, जब भी जरूरत हो किचन में खाना बनाते वक्त या फिर जो भी, जब भी आप जो भी काम कर रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तब भी आप जो है इसको अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए। एंड उसके बाद जो है ये अपने हाथों पे, पैरों पे, हमारे स्किन पे, सारी ही जगह पे, फुल बॉडी पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। गाइज ये किसी भी महंगे टोनर को मात दे सकता है, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव। मैं काफी टाइम से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और जब मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी गाइस, इसको फुल बॉडी पे आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे, आपके हाथों पैरों पे एक टॉनिक की तरह काम करेगा। तो फ्रिज में रखे, डबल बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे। 7 डेज तक फ्रिज में रखे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।